सुरभि सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। आपको पता है कि दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ अब बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेसेस बन चुकी हैं। जी हाँ, इनके बिना किसी फिल्म को इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब तक बॉलीवुड में इतनी सुपरहिट फिल्में देने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब पहली बार फिल्मों में कदम रखा दीपिका और कैटरीना ने, तो उन्हें कितनी सारी चीजों को झेलना पड़ा? इस बात का खुलासा दीपिका ने खुद किया है। दीपिका ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ओम शांति ओम फिल्म से की थी और कैटरीना ने अपनी करियर की शुरुआत बूम फिल्म से की थी। लेकिन जैसे लोगों को मेकअप आर्टिस्ट दिए जाते हैं, उन्हें डिजाइनर्स दिए जाते हैं, दीपिका ने बताया कि हमें ऐसी कुछ भी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। हमें ना मेकअप आर्टिस्ट दिए जाते थे, ना ही हमें कोई ऐसा डिजाइनर दिया जाता था। जब कैटरीना ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया, तो उन्हें भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ा था। उन्हें भी सारी चीजें देखनी पड़ी थी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था। किसी भी तरह का कोई भी जो मेकअप आर्टिस्ट का इंतजाम हो गया हो या फिर डिजाइनर्स का इंतजाम हो गया हो, सारी चीजें उन्हें खुद करनी पड़ती थी। खुद ही मेहनत करना पड़ता था, खुद ही अपना मेकअप करना पड़ता था, खुद ही कपड़े के लिए बात करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर एक स्ट्रगल फेस था जब दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत की ओम शांति ओम से, वही जब कैटरीना ने भी अपने करियर की शुरुआत की बूम से। तो यहाँ पर सिर्फ अपने करियर के बारे में बात नहीं की है दीपिका पादुकोण ने, यहाँ पर कैटरीना के करियर की भी उन्होंने बात की है, क्योंकि दोनों साथ ही इस इंडस्ट्री में आए थे और आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम देख पा रहे हैं कि दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अब तक इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और लोग अब इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, इनके नाम से फिल्में चलती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।